नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कुलपति को सौंपा स्मरण पत्र। आज अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दिनांक 6 जुलाई 2022 को दिए गए आवेदन पर त्वरित कार्यवाही हेतु स्मरण पत्र महोदय कुलपति को सौंपा है। बताया गया है कि दिनांक 6 जुलाई 2022 को हाल ही में परीक्षा जारी हुए LLB प्रथम सेमेस्टर के खराब परीक्षा परिणाम को लेकर शासकीय महाविद्यालय सेवा के छात्रों ने आपको आवेदन पत्र दिया था। उक्त आवेदन अनुसार हम सभी महाविद्यालय के छात्रों का करबद्ध निवेदन है कि उक्त मामले में शीघ्रता से संज्ञान लेते हुए समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का सही ढंग से पुनरीक्षण कर पुनः परीक्षा परिणाम जारी करवाने की कृपा करें। चूंकि उत्तर पुस्तिका सही ढंग से जांची नहीं गई है एवं वर्तमान में द्वितीय सेम के परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, उक्त तिथि को ध्यान में रखते हुए पुनः परिणाम जारी करवाए जाने की कृपा करें। रीवा संवाददाता राजीव तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय प्रकाश मिश्रा है। ये आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, किनको दिए हैं, क्या मांग है? हम लोगों ने ज्ञापन कुलपति जी को दिया है। हम लोगों की मांग है, हम लोगों ने पूर्व में रीजन जैसा कि बताना चाहूँगा आपको, LLB फर्स्ट ईयर रिजल्ट आया है फर्स्ट सेम का, तो उसके परिणाम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जैसा कि हम लोग मेहनत किए उसके अनुरूप हम लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो उसी को लेकर हम लोगों ने विगत दिवस ज्ञापन दिया था कुलपति महोदय जी के नाम से। उसी के स्मरण में आज हम लोगों ने फिर से कुलपति जी को ज्ञापन दिया है और रिक्वेस्ट किया है कि हम लोगों की मतलब जो रिजल्ट है उसको त्वरित निदान किया जाए, तत्काल कार्यवाही की जाए, तत्काल कापी रिवाइज की जाए। 20 तारीख तक एग्ज़ाम की लास्ट डेट है हम लोगों की, डेट एग्ज़ाम डेट के पहले पहले रिजल्ट हम लोगों को मतलब रिवाइज करके दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो मतलब एग्ज़ाम की डेट बढ़ाई जाए। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करता है कुछ तो हम लोगों की अगली कार्यवाही जो होगी हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। RTI के तहत हम लोग अपनी कापी निकलवाएंगे, उसके बाद न्यायालय में जाएंगे। अभी आप कुलपति से मुलाकात हुई है, क्या बोला उन्होंने, क्या आश्वासन? कुलपति जी ने बोला है, आश्वासन दिया है कि मतलब त्वरित कार्यवाही की जाएगी, हम लोग छात्र हित में आप लोगों की मतलब वो करके जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे इसका, जो हो सकेगा तुरंत। सर जी, मेरे हर सब्जेक्टों में 60-60 नंबर आए हैं और एक सब्जेक्ट में मेरे बैक लगा दिया गया है, 17 नंबर दिया गया है। मुझे नंबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि मेरे परसेंटेज बनाए जाए, लेकिन बच्चों के साथ भविष्य के खिलवाड़ ना करें। कुलपति को ज्ञापन दिया है आपने? कुलपति को भी ज्ञापन दिया गया है, उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए।